हिंगनघाट शहर में 430 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। विधायक समीर कुनावा ने इस बात पर खुशी जताई है कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। आज पत्रकार परिषद में इस बारे में जानकारी दी गई। इस अस्पताल के लिए 209 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है। इस अस्पताल में भर्ती के माध्यम से 400 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा हिंगनघाट में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और इसके लिए सरकारी स्तर पर स्थान को देखने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि जून 2025 में हिंगनघाट अस्पताल में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधायक समीर कुनावा ने यहां मेडिकल कॉलेज के लिए विधानसभा की सीढ़ियों पर धरना दिया था। आज का दिवस अतिशय आनंददायक दिवस है। हिंगनघाट मध्ये मेडिकल कॉलेज हे मंजूर झालं, तालुक्याच्या ठिकाणी मेडिकल कॉलेज मंजूर झालं, हे फार मोठी गोष्ट होती, ती मंजूर झाली। पण त्याच्यासोबतच 430 खाटाचं हॉस्पिटल असणं गरजेचं आहे। आम्ही मेडिकल कॉलेज मिळण्याच्या आधी पहिले 430 खाटाचा आमचा प्रस्ताव होता, तो मंजूर करून दिला आणि तो मंजूर झाल्यामुळे 430 खाटाचं हॉस्पिटल तातडीने त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळून त्याचं टेंडर होऊन बांधकाम होणं हे गरजेचं आहे। आणि म्हणून सतत त्याला पाठपुरावा गेल्या महिन्याभरापासून मंत्रालयामध्ये मी केला आणि मला आज आनंद होत आहे की 12 तारखेला या संदर्भातला GR निघाला आणि 430 खाटाच्या या म्हणजे हॉस्पिटलला जवळपास 800 ते 900 पदाची मान्यता याच्यामध्ये मिळालेली आहे। आणि याच्यामध्ये पदाची मान्यता, पदनिर्मिती हे फार महत्त्वाचं होतं आणि म्हणून हा पदनिर्मितीचा GR। NBC News के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।